नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर नई वैकेंसी के बारे में। नई वैकेंसी भर्ती की पूरी जानकारी, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, लिखित परीक्षा में क्या क्या होता है, फिजिकल में क्या होगा, इंटरव्यू कैसा होता है और उसके बाद मेडिकल में क्या क्या होगा। स्पेशल मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का सपना है सब इंस्पेक्टर बनना और जो पहली बार तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए इसमें पूरी जानकारी होगी। मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में सब इंस्पेक्टर को लेके कोई भी डाउट नहीं रहे। जो जो चीजें आपके दिमाग में हो सकती है मैं हर चीज इसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भर्ती की पूरी जानकारी में मैं बात करता हूं कि योग्यता क्या क्या चाहिए। तो देखिए, योग्यता के अंदर आपको दो तीन चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज, इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो ग्रेजुएट होती है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन वो इंटरव्यू तक होना चाहिए और इंटरव्यू तक पहुंचने में भर्ती को लगभग एक साल से ज्यादा का टाइम हर सूरत में लगता है क्योंकि तीन चरणों का ये एग्जाम है। तो आप अगर अभी सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। फाइनल में अगर हो गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते आराम से आप भी ग्रेजुएट हो जाएंगे। ग्रेजुएशन में किसी प्रकार के कोई सब्जेक्ट की लिमिट नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो सकते हो, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बीटेक किया हो, कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सप्लीमेंट्री वगैरह से पास अगर आप 10th में 12th में हुए हैं, बाई ग्रेस पास हुए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद इसमें हाइट होती है, वो मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर न्यूनतम है, बेटियों के लिए 152 सेंटीमीटर होती है। पुरुषों का चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, 81-86 सेंटीमीटर होना चाहिए और बेटियों का न्यूनतम वजन देखा जाता है जो 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। जो हाइट, चेस्ट, वेट देखे जाते हैं ये मेडिकल के टाइम होना चाहिए। तो अगर अब आपकी हाइट कम है या चेस्ट कम है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद हाइट, चेस्ट, वेट देखे जाएंगे, तो वो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय होता है। इसके बाद एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आपको देखना है वो है एज का, कि इसमें आयु क्या होती है। तो न्यूनतम एज 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम साल 25 साल होती है। 20 साल आपकी, जिस साल ये वैकेंसी आती है उसके अगले साल की पहली जनवरी को आधार मान के गणना की जाती है। अगर वैकेंसी 2024 में कभी भी आएगी तो 1 जनवरी 2025 तक अगर आप 20 साल के हो रहे हैं तो आप इसके लिए तैयारी का प्लान कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी की बेटियों को 5 साल की छूट मिलती है, अर्थात उनकी एज 30 साल तक होती है। और जो रिजर्व कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इस कैटेगरी की जो बेटियां हैं उनको और 5 साल की छूट होती है, अर्थात उनके लिए एज अधिकतम 35 साल तक होती है। इसके बाद इसमें एक छूट और मिलती है कि जितने साल ये वैकेंसी नहीं आती है उतने साल की अधिकतम आयु सीमा में फिर से छूट मिलती है। 2021 में लास्ट वैकेंसी आई थी, अगर 22 में आती है तो कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर 23 में आती है तो 1 साल की छूट, 24 में आती है तो 2 साल की छूट, 25 में आती है तो 3 साल की छूट सभी कैंडिडेट्स को और इसमें मिलने की संभावना होती है और वो हर बार मिलती है, तो इस बार भी वो मिल सकती है। एज के बाद में आपके लिए दूसरी योग्यता है जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो क्या क्या होना चाहिए। तो मेडिकल के अंदर अगर किसी तरह का आपका ऑपरेशन हो रखा है और अब आप वर्तमान में बिल्कुल फिट हैं तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चश्मा अगर आप पहनते हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चश्मे के साथ अगर आपकी आईसाइट पूरी है तो भी आपका काम चल सकता है। वैसे रूल के अनुसार तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन 25% से ज्यादा लोग जो चश्मा पहन के आज नौकरी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, आराम से उनका सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि ड्यूटी की जो प्रकृति है वो इस तरह की है। तो चश्मा जो पहनते हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फ्लैट फुट, नोकनी, ये चीजें भी चल सकती हैं, लगभग चल जाती हैं। सिर्फ जो कलर ब्लाइंड है उस बच्चे को दिक्कत आ सकती है, इसके अलावा मेडिकल में भी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आती है, ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप ये पूरी योग्यताएं पूरी करते हो तो आपको जो प्रोसेस होता है सब इंस्पेक्टर बनने का, उसमें सबसे पहले वैकेंसी निकलती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग इस भर्ती का आयोजन करता है और ये वैकेंसी के अंदर सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद सबसे पहले बेटा इसमें रिटन एग्जाम होता है, तो रिटन एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है,
दो पेपर होते हैं, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। पहला पेपर हिंदी लैंग्वेज का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, टोटल 200 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। जो दूसरा पेपर होता है उसके अंदर 100 ही क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, जिसमें भारत का पूरा सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, राजस्थान का पूरा सामान्य ज्ञान, इसके अलावा इसके अंदर अर्थव्यवस्था, तकनीकी से संबंधित, साइंस से संबंधित, इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, और ये सारे टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक पेपर के अंदर 36% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है दोनों पेपर में, और कुल मिला के जो 40% मार्क्स जिन बच्चों के आ जाते हैं वो बच्चे सारे रिटर्न एग्जाम पास कर सकते हैं। बट इसमें जो लिमिट होती है वो 20 गुना बच्चों को पास करने की होती है रिटर्न एग्जाम में, जो टॉपर 20 गुना बच्चे होंगे उनको रिटर्न एग्जाम में पास किया जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरे लेवल के अंदर फिजिकल देखा जाता है, और फिजिकल बेटा 100 नंबर का होता है, टोटल 100 मार्क्स होते हैं उसमें, और तीन तीन इवेंट होते हैं बेटियों के लिए। जो तीन इवेंट है उसमें 100 मीटर का रेस है, रनिंग 200 मीटर की है, 40 नंबर की होती है, उसके बाद लॉन्ग जंप है, 30 नंबर का होता है, और 30 नंबर का एक शॉट पुट होता है, गोला फेंकना। पुरुषों के लिए 100 मीटर की दौड़ होती है, वही 40 नंबर की, लॉन्ग जंप होता है सेम 30 नंबर का, और उसके बाद में चिनअप होती है वो 30 नंबर की होती है। और 100 में से आपको सिर्फ 50 नंबर पास होने के लिए चाहिए, अगर 50 से कम मार्क्स आते हैं तो आपके चाहे रिटर्न में कितने भी अच्छे नंबर हैं आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको 50 नंबर से ऊपर कितने भी आए वो फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल होने के लिए वो नंबर आपके काउंट होते हैं, जुड़ते हैं वो नंबर। अर्थात 100 नंबर का आपका फिजिकल, जितने नंबर 100 में से आते हैं, और 400 नंबर का रिटर्न, 500 में से मेरिट बना के इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब इसके अंदर जो तीन इवेंट है फिजिकल के, अगर इसमें कोई सा भी एक इवेंट अगर आपका कमजोर है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, वैसे छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन छोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो 60 नंबर बच गए लॉन्ग जंप और चिनअप के या लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट के, उसमें आप अपने नंबर कवर कर सकते हो और आप पास में शामिल हो सकते हो। तो कोई भी इवेंट अगर आपको टफ लगता है, किसी को हो सकता है चिनअप टफ लगे, किसी को लॉन्ग जंप टफ लगे, किसी को शॉर्ट पुट टफ लगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से दो इवेंट में भी पास हो सकते हैं, फिजिकल पास आप क्वालिफाई कर सकते हैं। फिजिकल के बाद में इंटरव्यू के लिए जब कॉल किया जाता है तो 3 गुना बच्चों को मेरिट के अनुसार बुलाया जाता है और 50 नंबर का उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर फेल भी कई बार किया जा सकता है, तो आपको न्यूनतम 36% मार्क्स इंटरव्यू में लाने अनिवार्य होते हैं, और उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनती है जिसमें 400 नंबर का रिटर्न एग्जाम और 50 नंबर का इंटरव्यू, 450 में से फाइनल मेरिट बनती है, और उसके बाद में आपको कॉल किया जाता है। जितनी वैकेंसी होती है उतने बच्चों का ही मेडिकल कराया जाता है, लगभग सारे बच्चे मेडिकल में पास हो जाते हैं, और उसके बाद में ज्वाइनिंग होती है और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग है वो लगभग साल भर चलती है, और उसके बाद आपको जहां जिसके लिए आप भर्ती हुए हैं वो आपको काम दिया जाता है, उसमें 1 साल तक आपका प्रोबेशन चलता है जिसमें आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी नहीं होती, 2 साल के बाद आपको थानों में सब जगह पोस्टिंग मिल जाती है। तो ये है पूरा प्रोसेस जो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जो चीजें मैंने समझाई हैं उनमें अगर आपको कोई डाउट अभी भी है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर एक नंबर जो आपको दिख रहा है इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको और इससे संबंधित कोई दूसरी जानकारी चाहिए, नहीं तो अगले वीडियो में मैं बाकी चीजें सारी कवर करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।